तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से या टूडे में। आज हम डिस्कस करेंगे चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 525 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक के चार्ट पैटर्न देखें तो हमने इस स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज है वो तो राइजिंग हो रहा है, पर एक पॉइंट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यानी स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 476 रुपीज का है। इस प्राइस को स्टॉक ने लगभग 3 टाइम सेम प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में रुकावट रेंज है 556 रुपीज पर। काफी समय से देखें तो स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का ट्रेंड देखें तो स्टॉक में एक रेंज बाउंड बन रहेगा, यानी स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहेगा। अगर हम 44 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस देखें तो 507 रुपीज निकल कर आ रहेगा। अभी देखें तो स्टॉक इस प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 507 रुपीज का स्टॉप लूज रखें, ऊपर के टारगेट 550 रुपीज। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के नजरिया से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो स्टॉप लूज थोड़ा नीचे का रखना पड़ेगा, अराउंड 500 रुपीज के पास का, और ऊपर के टारगेट 600 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं।